थैंक यू थैंक यू, तारीफ नहीं। और मैंने कल भी ब्लॉगिंग की थी, आज भी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मतलब कि अब डेली ब्लॉगिंग आई थिंक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द अनदर न्यू डे विद द फुल एनर्जी। आई एम सॉरी, एक हाथ में दूध है सो वो वाला नहीं कर पाऊंगा। पहले भी आज स्पोकन का टॉपिक है कुछ माय प्रोटीन के ऊपर, सो आई डोंट थिंक कि मुझे पढ़ने की जरूरत है। क्लास हो गई समाप्त, लेकिन बारिश आई हुई है बाहर, पूरा किचर ही किचर है सभी जगह। आज ना भाई क्लास में ना सबको डांट पड़ गई, क्योंकि सर ने कल, मतलब कि हम लोग बुक में से पढ़ रहे थे देख देख कर, तो सर ने बोला कि देख कर नहीं पढ़ना है, कल सब लोग पांच बार लिख के आएंगे। हमें लगा कि होगा भाई, पांच बार लिखने को थोड़ी ना बोला होगा, सर ने ऐसे ही बोल दिया होगा। सो हम तो कोई लिख के नहीं गए, और क्लास में गए ना तब सर ने बोला कोई लिख के नहीं लाया, कल सब लोग 10 बार लिख के लाएंगे वो, और आज का 5 बार लिख के लाएंगे वो अलग थोड़ी ना है। मैंने बोला सर अगर मैंने बिना देखे बोल दिया तो मैं लिखूंगा नहीं। सर ने बोला ठीक है वो बाद में देखूंगा, पहले तो बोल। मैं तो भाई ऐसे ही शुरू हो गया, और इतना अच्छा बोला ना, वो टॉपिक क्या था, बेनिफिट्स ऑफ प्रोटीन्स, सो बढ़िया से बोल दिया। मतलब कि सर ने बोला कोई बात नहीं, अब कल से सिर्फ 2 ही बार लिख के आना, और वो वाला है वो 2 बार या 5 बार लिख के आना, वो अभी भी मुझे नहीं पता है कि कल का कितनी बार लिख के जाना है, मतलब कि 2 बार तो लिखना ही है फाइनली वो बेनिफिट्स ऑफ प्रोटीन पे। कोई बात नहीं, उतना तो लिख देंगे, लेकिन जिन जिनको 10 बार दिया है वो तो क्या ही करेगा, 20 लाइन्स 10 बार, मतलब कि 200 लाइन लिखनी पड़ेगी उन लोगों को। कोई बात नहीं, डैड्स को अभी खाना खाते हैं और फिर जाते हैं जिम में। बाय द वे आज खाने में बना है दाल चावल और रोटी, बढ़िया सा खाना बना। लेट्स गो। कि भाई लिफ्ट बंद हो जाएगी, लुक बढ़िया सा मौसम हो रहा है, मतलब कि हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है, पवन तो देखा, मतलब कि बढ़िया सा मौसम है। लो तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन तो हो रहा है। दिनकर में ना लास्ट 2 दिन से बारिश हो रही है, आई होप कि जहाँ पर मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे बारिश ना हो, और जिस दिन मैं निकल रहा हूँ उस दिन बारिश ना हो, इस संडे, मतलब कि अब से 3 डेज से बाकी, बहुत ही मजा आने वाला है, मतलब कि नेक्स्ट लेवल ट्रिप करने वाले। अगर ना मैं आप लोगों को थोड़ी सी हिंट दूँ कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, उसे एक यूट्यूबर से मिलने के लिए जा रहा हूँ, अगर पॉसिबल होगा तो, क्योंकि मीटिंग अभी फिक्स नहीं हुई हम दोनों की, मतलब कि वो तो अगर पॉसिबल हुआ, अगर वो घर पे हुए तो मिल पाऊँगा, उनके डैडी के साथ मीटिंग फिक्स है मेरी, क्योंकि 95% इतने कर पाएंगे, वो कोई बड़े यूट्यूबर तो नहीं है, बट मेरे लिए वो, मतलब कि मेरे आइडल है, अपा लेगा, और अपने करियर का ही काम करने के लिए जा रहा हूँ, मतलब कि चलो अभी चलते हैं नीचे, और सर ने जो होमवर्क दिया है 2 बार लिखने के लिए, वो भी लिखना तो पड़ेगा यार, 40 लाइन्स होती है, सो वो होमवर्क कर रहा हूँ।
मैं तो डर गई। मैंने ये वाली जो बुक थी ना, जो ग्रामर वाली, मेरे को लगता था कि 10 दिन लग जाएंगे इसको ख़त्म करने में, बट ऐसा नहीं है। आपका भाई होशियार है। थैंक यू थैंक यू। तारीफ नहीं। ये इतने पेजेस ख़त्म कर दिए और इतने पेजेस सिर्फ बाकी रह गए, और ट्रिप पे जाने से पहले मैं इसको ख़त्म कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में कोई झंझट ना हो। मेरे को नहीं चाहिए झंझट। करते हम यहीं पर समाप्त। जिन जिन को वीडियो पसंद आया वो कृपया करके अपना थंब हमको दे के जाएँ, और जो लाल वाला बटन होता है उसको दबा के जाएँ। कुछ भी करो बस दबा दो। और आप सभी को जब नाम, जिन जिन लोगों ने सीरीज देखी होगी आश्रम, उनको पता होगा क्योंकि मैं 3 दिन से देख रहा हूँ एंड मैं निराला बाबा का भक्त बन चुका हूँ। सो जब नाम बाबा जी की जय हो। मिलते एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए। Thank you.